नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है, इसे दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि के मौके पर आने वाली दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। अष्टमी तिथि पर 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं की पूजा, भोजन और उपहार देते हुए दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि 2 से 10 साल की उम्र तक की कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। दुर्गा अष्टमी का महत्व। इस तिथि पर नवरात्र पर देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी पर कन्या पूजन की जाती है, जहाँ पर 2 से लेकर 10 साल की आयु की कन्याओं के पैर धोकर उनकी आरती करते हुए भोजन करवाया जाता है। अष्टमी तिथि माँ दुर्गा की तिथि मानी गई है। इस तिथि पर माँ दुर्गा की पूजा और कन्या पूजन करने पर माँ जल्द ही प्रसन्न होती हैं। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा के बड़े बड़े पांडालों में दुर्गा माँ की विशेष आराधना की जाती है। इस तिथि पर हवन भी किया जाता है। मान्यता है कि हवन करने से वातावरण और घर के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। आयु के अनुसार कन्या का स्वरूप और मिलने वाला फल। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इस स्वरूप के पूजन से सभी तरह के दुखों और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। भगवती त्रिमूर्ति के पूजन से धन लाभ होता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। देवी कल्याणी के पूजन से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी माना गया है। माँ के रोहिणी स्वरूप की पूजा करने से जातक के घर परिवार से सभी रोग दूर होते हैं। 6 साल की कन्या को कालका देवी का रूप माना जाता है। माँ के कालका स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, यश और सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या माँ चंडिका का रूप है। इस स्वरूप की पूजा करने से धन, सुख और सभी तरह के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। 8 साल की कन्या माँ शांभवी का स्वरूप है। इनकी पूजा करने से युद्ध, न्यायालय में विजय और नाश की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या को साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। माँ के स्वरूप की अर्चना करने से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है और कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता मिलती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती हैं। देवी सुभद्रा स्वरूप की आराधना करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं।